आज अपन पढ़ेंगे इरिगेशन, मतलब सिंचाई। इस मतलब ये टॉपिक बहुत मोस्ट है, इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं आईसीईआर जेबीएच में। अब इरिगेशन का अर्थ क्या होता है? फसलों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना इरिगेशन कहलाता है। मतलब वर्षा के अभाव में फसलों की वृद्धि के लिए जो कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाया जाता है उसे इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इरिगेशन, इसमें सब सरफेस इरिगेशन मेथड, इसमें मृदा की सतह पर जल दिया जाता है। नेक्स्ट है सब सरफेस इरिगेशन मेथड, इसमें मतलब पौधों को जड़ों के नीचे से पानी दिया जाता है जो केसी गति के कारण प्राप्त होता है। स्प्रिंकलर मेथड जिसे ओवरहेड इरिगेशन कहते हैं, ये फंवारा विधि कहते हैं इसे हिंदी में। तो इस विधि का प्रयोग मतलब भूमि की सतह पर जल कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। ड्रिप इरिगेशन मेथड में मतलब इस विधि में जल जड़ों को प्राप्त होता है सीधा। अब नेक्स्ट है सब सरफेस इरिगेशन मेथड, इस विधि में जल मृदा की सतह पर सीधे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें है फ्लोडिंग मेथड, प्रवाह विधि, नहरी क्षेत्रों में इस विधि का यूज किया जाता है। तो कौन सी विधि का प्रयोग नहरी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्लोडिंग मेथड। पानी की अधिकता होती है वहाँ पे, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लेबर श्रम की आवश्यकता कम होती है। अधिक जल मांग वाली फसल है जैसे धरना धान गन्ना और जूट, इनमें फ्लोडिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अधिक जल मांग वाली फसल होती है उनमें सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? फ्लोडिंग मेथड का। नेक्स्ट है चेक बेसिन जिसे क्यारी विधि भी कहते हैं, इसे चौकारा विधि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? क्यारी विधि। इस विधि का मुख्य दोष है कृषि का कुछ क्षेत्र नष्ट हो जाता है, मतलब कुछ भाग कृषि योग्य होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे अपना खेत है उसमें अपन मेड़ बनाते हैं, उसमें अपन मेड़ बनाएंगे तो मेड़ बनाने में जो जगह अपनी वेस्ट होगी वहाँ पे अपनी कृषि योग्य भूमि तो नष्ट होगी ना। तो इसका मुख्य दोष यही है कि इसमें कृषि योग्य भाग नष्ट हो जाता है, ये गेहूँ और जौ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोडर ट्रिप्स मेथड, इस विधि में छोटी छोटी पट्टियाँ एक के बाद एक बनाते हैं, ये ढलान वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ढलान वाले क्षेत्रों में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ब्रोडर ट्रिप्स मेथड, जैसे घास वाली फसलों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रिंग मेथड जिसे हिंदी में वल्ले विधि भी कहते हैं, इसे अंगूठी विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि थाला विधि के समान है परंतु इस विधि में पानी सीधा रूट जोन में दिया जाता है। यह विधि थाला विधि के समान है परंतु इसमें पानी सीधा रूट जोन में दिया जाता है, मतलब पानी सीधा जड़ों में दिया जाता है। इस विधि में पौधों के चारों ओर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 30 से 35 सेंटीमीटर व्यास पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है जिससे पानी तना के संपर्क में नहीं आएगा। पानी तना के संपर्क में नहीं आएगा तो तना से संबंधित कोई भी बीमारी पौधों में नहीं होगी, जैसे तना विघलन, किसी भी बीमारी का प्रकोप नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रेंच मेथड, इस विधि में सिंचाई कुंड तथा मेड़ के माध्यम से की जाती है। कुंड में सिंचाई की जाती है तथा मेड़ में फसलें उगाई जाती है। जड़ वाले क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नाली की साइज 30 मीटर से 300 मीटर होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जड़ वाले क्षेत्रों के लिए कौन सी सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेंच मेथड का। नेक्स्ट है बेसिन मेथड जिसे हिंदी में थाला विधि कहते हैं और इसे द्रोहण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि द्रोहण विधि के नाम से कौन सी विधि को जाना जाता है? थाला विधि को। इस विधि में प्रथम पौधे को अधिक पानी होता है और अंतिम पौधा होता है उसको कम पानी होता है। तो जैसे कि मैंने छोटा सा चित्र बना रखा है, इसमें देखो कि प्रथम पौधा होता है उसको कम पानी मिल मतलब प्रथम पौधे को अधिक पानी मिलता है और अंतिम पौधों को कम पानी मिलता है। इसमें मतलब पानी तना के संपर्क में होता है इसलिए तना से संबंधित बीमारियां होती है वो एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलती हैं। कम जल मांग वाले फल वृक्षों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कम जल मांग वाली फसलों में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? थाला विधि का। अब है सब सरफेस इरिगेशन मेथड, इस विधि में पौधों को पानी जड़ों के नीचे से दिया जाता है जो केसीय गति के कारण पौधों को प्राप्त होता है। जड़ों के नीचे से दिया जाता है इस विधि में पानी जो केसीय गति के कारण पौधों को प्राप्त होते हैं। अधोमर्दा पर कठोर परत होती है जहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में केरल के उद्यानों में और कश्मीर के सब्जी उद्यानों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केरल के नारियल उद्यानों में सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सब सरफेस इरिगेशन मेथड का। यह विधि बहुत महंगी है, विश्व में इस विधि का सर्वाधिक प्रचलन पश्चिम देशों में होता है। अब है स्प्रिंकलर मेथड जैसे ओवरहेड इरिगेशन, मतलब इस विधि का प्रयोग पानी
भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। इसे उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ये विधि उबड़ खाबड़, जैसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं अपने, वहाँ पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का आविष्कार हुआ था इज़राइल के सिंचाई इंजीनियरिंग सिमिका ब्लेज नामक वैज्ञानिक ने इस विधि का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस विधि का आविष्कार कौन से साइंटिस्ट ने किया था, तो सिमिका ब्लेज नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, इसलिए इस विधि का आगमन भारत में इज़राइल से माना गया है। इस विधि में पानी नोजल से प्राप्त होता है जो स्प्रिंकलर सेट का मुख्य भाग है। मतलब फुहारा विधि को नोजल का हद भी कहा जाता है, स्प्रिंकलर सेट को नोजल का हद कहा जाता है। फुहारा विधि में बौछार की दर होती है, मतलब इसमें पानी का डिस्चार्ज होता है 1000 लीटर प्रति घंटा। इसमें जल की बचत होती है 40% और सिंचाई दक्षता होती है 60 से 65%। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस विधि का, जो फुहारा विधि होती है, इसका सर्वाधिक उपयोग कौन सी जगह किया जाता है, झुंझुनू में। इसमें दाब होता है 2.5 से 4.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। धान और जूट में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सब क्रॉप्स में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। असमतल क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? फुहारा विधि का। अब है ड्रिप इरिगेशन। इस विधि का आविष्कार इजराइल से हुआ है। इस विधि में पानी सीधा जड़ क्षेत्र में दिया जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन का हेड क्या है? इमीटर। और स्प्रिंकलर सेट इरिगेशन का मेथड हेड है नोजल। इसमें पानी की बचत 60 से 70% होती है और फुहारा विधि में 40% होती है। इस विधि का प्रयोग लवणीय मृदा में भी किया जाता है, क्योंकि इस विधि में पानी की बहुत अधिक बचत होती है, क्योंकि पानी सीधा जड़ क्षेत्रों में दिया जाता है, इसलिए इसे लवणीय मृदा में प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में जैसे कि अपन खेत में ड्रिप लगा रहे हैं, ड्रिप से सिंचाई करते हैं, तो उस खेत में मतलब अपन में खरपतवार नहीं होंगे। तो कम क्षेत्र, कम वर्षा होती है, मतलब कम जल उपलब्ध है, वहाँ पे इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इमीटर से पानी का डिस्चार्जर की तरह होता है, 1 से 4 लीटर प्रति आवर्स, और फुहारा विधि में होता है 1000 लीटर प्रति आवर्स होता है। इसमें 1 से 4 लीटर प्रति घंटा होता है, उसमें 1000 होता है। इस विधि में सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को कहते हैं फर्टिगेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन। और सिंचाई के साथ शाकनाशी का देना, मतलब शाकनाशी का प्रयोग करना, वो कहलाता है हर्बिगेशन। इन दोनों में अपन को अच्छे से याद करना है कि उर्वरक देंगे, फर्टिलाइजर देंगे तो फर्टिगेशन कहलाता है, और शाकनाशी व खरपतवार नाशी देंगे तो हर्बिगेशन कहलाता है। ड्रिप इरिगेशन में दाब होता है 1.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइफून विधि ड्रिप इरिगेशन की नई विधि है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइफून विधि किस विधि की नई विधि है? ड्रिप इरिगेशन की। इस विधि का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यूज किया जाता है महाराष्ट्र में।